good morning friends this is your friend pankaj kumar english grammar specialist wordologist, translator and awarded from different universities in the field of english today i am here with this session stop learning boring grammar hum sabhi boring grammar ko padhte padhte, ग्रामर की एक्यूरेसी भी हमने ख़त्म कर दिया है क्योंकि ये ग्रामर का जो उत्पत्ति हुआ था ये जो बना हुआ है लैंग्वेज में एक्यूरेसी डालना लैंग्वेज में शुद्धता डालना लैंग्वेज को और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना लेकिन हम सभी इसको रटते रटते लर्निंग करते करते फ्रॉम एकेडमिक कैरियर से ले करके आ, कंपटिटिव एग्जामिनेशन तक हमने ग्रामर को रटने का सिर्फ काम किया है आज हम चाहेंगे कि आज वी ऑल स्टॉप लर्निंग बोरिंग ग्रामर आज से आप मेरे साथ जुड़िए आप सभी को कभी भी मैं रटने के हालात आने ही नहीं दूंगा और साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको इस बोरिंग ग्रामर से दूर रहना है बचना है तो इसके लिए क्या करें कौन सा बेस्ट तरीका होगा तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि कंसेप्ट के माध्यम से अगर आपको इंग्लिश समझना हो अगर आपको ग्रामर में महारत हासिल करना हो कंसेप्ट के माध्यम से तो आज आप मेरे साथ जुड़िए और साथ ही मेरे क्लास का एंजॉय आप करें तो हमारा टॉपिक हेडलाइन होगा स्टॉप लर्निंग बोरिंग ग्रामर दिस स्टडीज कंसेप्ट इज बाय पंकज कुमार ग्रामर स्पेशलिस्ट मेरा फोन नंबर सिक्स टू जीरो टू वन जीरो वन नाइन टू फोर तो सबसे पहले ना हमें आइडियाज़ को डेवलप करने होंगे हमें थिंकिंग प्रोसेस में कुछ चेंजिंग लाना होगा तो हम एज अ ग्रामर को कंसेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं और एक बार समझने के बाद ज़िंदगी में अपने लाइफ टाइम में कभी हम नहीं भूल सकते हैं आइए तो मैं इसकी शुरुआत आज की इस वीडियो से करता हूँ आपका सपोर्ट आपका प्यार हमेशा बना रहे आई होप दिस सो स्टॉप लर्निंग बोरिंग ग्रामर आज आप समझेंगे कि जो हम एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ ये टॉपिक है आर्टिकल का टॉपिक सबसे पहले आर्टिकल होता है क्या है आर्टिकल ए ए एन और टी एच ई द और टाइम दी हम उसको पढ़ते हैं तो आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है स्मॉल वर्ड्स हैं और ये हमेशा 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 नाउन के ही पहले आएगा अगर ये नाउन नहीं मिलेगा इसके बाद तो आर्टिकल का कोई यूज नहीं है आर्टिकल का तभी वैल्यू है जब इसके बगैर इसके इसके बाद इसके साथ ही साथ कोई नाउन का स्टैंडिंग हो नाउन का रहना बहुत ही जरूरी है तो हम सभी पढ़ चुके हैं कि ए और ए एनडा का प्रॉपर यूज़ कहाँ करेंगे आप हमारे वीडियोस में पहले से ही देख चुके होंगे और नहीं भी देखे हैं तो आशा है आप वीडियोस में जा कर के आर्टिकल टॉपिक को समझें मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऐसे कंसेप्ट को जिसे लर्न करना ही पड़ जाता था जिसे रूल के माध्यम से हम सबको लर्न करना होता है फिर चार दिन के बाद उस रूल को भूल जाते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ टी एच ई हम समाइम्स टी एच ई दी कहेंगे तो टी एच ई को द हम तब पढ़ते हैं जब इसके बाद आने वाले वर्ड स्टार्टिंग कंसोनेंट लेटर से हो जैसे टी एच ई प्लस एस यू एन सन बी ओ वाई बॉय तो इसे हम द सन द बॉय कहेंगे क्योंकि बॉय के पहले का लेटर बी है सन का पहला लेटर ऐसे है। तो अब हम दी का यूज दी का प्रोनाउंसिएशन समझ समझते हैं जैसे टी एच ई दी प्लस एलिफेंट ई एल ई पी एच ई एन टी तो दी के बाद जो वर्ड है एलिफेंट है एलिफेंट का पहला लेटर वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है हाँ दोस्तों ध्यान देंगे वावल साउंड की बात कर रहा हूँ वावल लेटर के बाद नहीं कर रहा हूं तो वावल साउंड से स्टार्ट है तो इसे हम दी 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 एलिफेंट कहेंगे, दी अर्थ कहेंगे, ऑरेंज कहेंगे ओके दी अम्ब्रेला कहेंगे तो ये क्लियर हो गया चलिए अब चलते हम ऐसे रूल्स जो हम रटते रटते थक गए हैं बोरिंग हो चुका है इस रूल ने इस रूल की वजह से पूरे ग्रामर बोरिंग लगने लगा है तो अब ये हमारा वेटिंग ओवर हो गया चलिए आइडियाज के साथ हम पढ़ते हैं समझते हैं आप ही बताएंगे कि मेरा टॉपिक क्या है मैं क्या कहने जा रहा हूं डिम्पल इज बेस्ट गर्ल फ्रेंड इन माई लाइफ डिम्पल इज बेस्ट गर्ल फ्रेंड इन माई लाइफ वन डे सी विश पर्स इन डैस ईयर मैंने ब्लैंक्स दे के रखा है खाली जगह दे के रखा है वहाँ पे हम प्रॉपर आर्टिकल का यूज करते हैं करेंगे डिम्पल इज डेस बेस्ट गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ वन डे सी विश्व इन डैस ईयर सी हैज़ अ प्लान टू सी गंगा विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय एंड फॉल्स इन टू बे ऑफ बंगाल सेकेंड थिंग सी हैज़ प्लान टू गो टू वेस्ट टू एंजॉय थार There she carries Bhagavad Gita and Valmiki's Ramayana because they are great epics of Hindus. Obviously, we are Indians. We have guitar and we play guitar. Sometimes we both enjoy traveling in Indigo in space. Time to time. I think about Air Force whom ji. who is backbone of BJP, always supports the armed forces. How do I how do I know this? Because I read Hindustan Times. Once I studied it in detail on second of October. तो चलिए अक्सरसरी तौर से हमने इस आर्टिकल को पढ़ा इस पैसेज को पढ़ा जो इसमें बताया गया है कि डिम्पल इज़ बेस्ट गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ मेरे जीवन में जो सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड है वो डिम्पल रहा है डिम्पल है तो इस सेंटेंस में जो ब्लैंक है बेस्ट के पहले यहाँ पे क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम टी एच ई का यूज़ करते हैं तो करेक्ट होगा डिम्पल इज़ द बेस्ट गर्लफ्रेंड इन माई लाइफ क्यों हमने द का यूज किया है फर्स्ट ऑप्शन में इसलिए आप देखेंगे बेस्ट जो है इस सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है गुड का गुड बेटर बेस्ट इसी तरह से टॉल तौल, टॉलर टॉलेस्ट तो जितने भी सुपरलेटिव फॉर्म हो टॉलेस्ट बेस्ट फैटेस्ट हॉटेस्ट थिनेस्ट पोरेस्ट बिजिएस्ट जितने भी सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म हो एनी वर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म हो ऐसे एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म हो जो जो पॉजिटिव ना होकर कंपरेटिव ना होकर सुपरलेटि डिग्री के फॉर्म में आए तो हमेशा सुपरलेटि डिग्री के पहले हम टी एच द का आर्टिकल यूज़ करते हैं बगैर द का सुपरलेटि डिग्री फॉर्म हम नहीं लिख सकते हैं अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे वो बहुत बड़ा एरर नहीं ब्लंडर हो जाएगा इसलिए द करेक्ट होगा डिम्पल इज़ द बेस्ट गर्लफ्रेंड बेस्ट द बेस्ट के पहले द क्यों लगा अभी हमने समझा एक्सप्लेनेशन में तो डिम्पल इज़ द बेस्ट गर्लफ्रेंड इन माय लाइफ तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है वन डे सुपर डिम्पल मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड है ठीक वन डे सी विस्पर्श एक दिन क्या करती है इन ईयर वो मेरे कानों में आकर के कानों में आकर के कुछ फुसफुसाती है कुछ कहती है साइलेंटली बोलती है कौन डिम्पल जो द बेस्ट गर्लफ्रेंड है मेड लाइफ में वो हमारे कानों में आके बोलती है इट मीन्स ईयर नोज हेड आर्म राइट चीक ये क्या है पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं तो जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी का हम यूज करते हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम टी